कुछ 50 साल पहले महाराष्ट्र में यह दृश्य था कि खाना चूल्हे पे बनता था और पति पत्नी दोनों खेतों में जाके शारीरिक श्रम कष्ट करते थे। लेकिन फिलहाल अभी का जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी हेक्टिक है। दोनों जॉब करते हैं, पति पत्नी दोनों जॉब करते हैं, इसीलिए उन्हें या तो फिर मेड लगानी पड़ती है या फिर कुछ ऐसा किया जाता है ताकि जल्दी खाना पके। तो इस वजह से नए नए टेक्निक्स, नए नए इक्विपमेंट्स मार्केट में आ रही है। जैसे कुकिंग स्टाइल के कुछ इक्विपमेंट्स आते हैं, जैसे माइक्रोवेव हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए हैं जिसमें तुरंत ही खाना बनता है और जल्दी से पकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनारी स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है निरोगी काया। तो आज का विषय है जो पार्ट टू है अन्न के बारे में। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो उसका वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे दे दूंगी, आप उसे ज़रूर देखिएगा। कुछ सालों पहले खाना चूल्हे पे बनता था, उसके बाद स्टोव, उसके बाद फिर गैस। अभी इतनी और डेवलपमेंट हो गई है कि माइक्रोवेव आ गया है, इंडक्शन आ गया है, एयर फ्रायर आ गया है। तो ये कई अन्य गैजेट्स हैं जो कुकिंग में हेल्प करती है। कुछ सालों पहले जब हम खाना चूल्हे पे बनाते थे तो खाना धीरे धीरे पकता था, उसको अग्नि अच्छी मिलती थी और वो पाचन में, स्वाद में काफ़ी अच्छा होता था। कुछ समय बाद स्टोव और अब गैस। गैस में भी खाना पकाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके बाद का जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, जैसे हम इंडक्शन की बात करें या फिर माइक्रोवेव की बात करें, ये हमारे सेहत के लिए ठीक नहीं है। अगर हम माइक्रोवेव में खाना बनाते हैं तो उसमें मोस्टली प्लास्टिक यूज़ होता है, प्लास्टिक में खाना गर्म किया जाता है, जिसके वजह से वो प्लास्टिक के टॉक्सिन्स खाने में आते हैं, वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी नुकसान कर होते हैं। उसके बाद अगर हम इंडक्शन की बात करें तो खाना तुरंत बन जाता है, तुरंत पक जाता है। तो ये अग्नि तो है ही नहीं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स की वजह से अन्न तुरंत पकना, ये भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। इसलिए हो सके तो अपना अन्न इस तरह से पकाए ताकि उसको अच्छी अग्नि मिल पाए, उसका पकना अच्छे से हो पाए और वो हमारे सेहत के लिए, हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद साबित हो, ना कि नुकसान करे। कैसा खाना खाया जाए? ऋतु अनुसार, शरद, ग्रीष्म, बसंत यानी समर, विंटर, रेनी, सीज़न के अनुसार खाना खाए। सीज़न के अनुसार जो फल फ्रूट मिलते हैं उस अनुसार खाना खाया जाए। उसके बाद प्रकृति अनुसार खाना खाया जाए, वात, पित्त, कफ, इस अनुसार अपनी दोष, अपने धातु, अपने प्रकृति का ध्यान में रख कर खाना खाया जाए। पहला अन्न अच्छे से डाइजेस्ट होने के बाद दूसरा अन्न लिया जाए। पहला अन्न अच्छे से डाइजेस्ट हो गया है, पच गया, ये कैसे आपको पता चलेगा? तो सच्ची भूख लगने की कुछ निशानियां हैं, जैसे पेट हल्का महसूस होता है, हमें भूख लगने की संवेदना होती है, उसके बाद शुद्ध डकार आती है, तब समझे कि हमें प्राकृत और अच्छी भूख लगी है। उसके पहले खाना ना खाए, उससे आपको अनेक व्याधियां होने की संभावना होती है। आयुर्वेद में आहार का क्रम बताया है, जैसे कौन सा किस प्रकार का रस हमें कब खाना है, जैसे 6 रस बताए हैं, मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो इसमें सबसे पहले मधुर रस का सेवन कीजिए, यानी जो मीठी पकवान है उसे पहले खाइए, उसके बाद मधुर, आम्ल, खट्टी चीज़ों का, उसके बाद लवण यानी सभी अन्न में थोड़ा थोड़ा नमक होता ही है, उसके बाद तीखा और फिर कशैला और उसके बाद कड़वी। लास्ट में कड़वी चीज़ खाने के लिए कहा है। आयुर्वेद कहता है कि अगर हम लास्ट में कड़वी चीज़ खाएंगे तो हमारा पाचन अच्छा होगा, हमारा डाइजेशन अच्छा होगा, वो अन्न हमारे साथ ही धातु को अच्छी तरह से बनाएगा, हमारा ओज अच्छा होगा और हमारा आयुष्य, हमारा जीवन अच्छा होगा। अन्न की मात्रा क्या है? अगर हम हमारे पेट के 4 हिस्से करते हैं तो उसमें आधा हिस्सा हम अन्न के लिए रखें, उसका 1/4 पार्ट हम पानी के लिए रखें और 1/4 पार्ट हम खाली छोड़े। अगर हमें किसी ने कहा कि आप खाना खाइए तो हमें इतनी भूख होनी चाहिए कि हम खाना खा सकें, लेकिन खाना नहीं है तो 1/4 पार्ट हमें खाली छोड़ना है,
इससे हमारे अन्न का अच्छे से पाचन होगा और साथ ही धातु हमारे अच्छे बन पाएंगे। टीवी देखते हुए खाना कभी ना खाएं। टीवी में दिखाए गए सीरियल्स में अच्छे बुरे हिंसक ऐसे जो सीन्स आते हैं उसका हमारे मन पर अन्न पर सीधा असर होता है। अगर कुछ बुरा सीन चल रहा है तो उसका हमारे डायरेक्ट मन पे असर होगा और हमारा जो आमाशय है उसका जो मुंह है वो एकदम से बंद हो जाएगा। ऐसा होता है कि आपको उसके बाद कुछ खाने की इच्छा नहीं रहती है, तो अपना आमाशय का मुंह बंद होने की वजह से हमारा खाने का मन उठ जाता है और फिर भी अगर हम खाना खाते हैं तो वो अन्न निरेंद्रिय हो जाता है, उसका हमें कोई उपयोग नहीं रहता, वो हमें फायदा नहीं नुकसान कर होता है। टीवी देखते समय कभी भी खाना ना खाएं। हमने पिछले वीडियो में देखा ही है कि खाना खाने के पहले और बाद में खाना पानी नहीं पीना है। अगर हम पहले पानी पीते हैं तो वात प्रकोप होता है, अगर हम खाना खाने के बाद पानी पीते हैं तो उससे कफ बढ़ता है। तो का पानी हम खाना खाते समय थोड़ा थोड़ा बीच में लें, उससे हमारा जो अन्न है वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम चटनी बनाते हैं और उसमें हम पानी नहीं डालते हैं तो वो चटनी अच्छे से नहीं बनेगी, लेकिन उसमें अगर हम थोड़ा थोड़ा पानी बीच बीच में डालेंगे तो चटनी अच्छे से पिस जाएगी। इसी तरह हमारा अन्न भी अच्छे से डाइजेस्ट होने के लिए उसे बीच बीच में पानी की ज़रूरत होती है, इसीलिए खाने के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पिए। अब बात करते हैं विरुद्ध अन्न की। दो अपोजिट्स फूड फॉर एग्जांपल मिल्क और फ्रूट्स, आम छोड़कर वो भी मीठा आम छोड़कर आप दूध के साथ कोई भी फ्रूट मिक्स करके ना खाएं। उसके बाद मूंग दाल और दूध, मूंग दाल और दूध ये भी एक साथ कभी ना खाएं। मूंग दाल का हलवा बनाते समय उसमें दूध डाला जाता है, ये कभी ना करें। उसके बाद नमक और दूध, नमकीन चीज़ें और दूध एक साथ ना खाएं। अगर हम इस तरीके से अगर हम दो विरुद्ध अन्न खाते हैं तो उसमें कई बीमारियां हमारे शरीर में हो सकती है, जैसे स्किन डिजीजेस। अब बात करते हैं डेफिशिएंसीज की। आयुर्वेद हमें षडरसात्मक आहार लेने के लिए कहता है, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। तो इसमें हम मधुर अम्ल लवण कटु यानी तीखा और कषाय कशैली चीज़ें खाते हैं, लेकिन मोस्टली हम कड़वी चीज़ें नहीं खाते। तो अगर हम कड़वी चीज़ें भी खाने लगेंगे तो हमारे शरीर में कोई डेफिशिएंसीज नहीं आएंगी। मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी है B12, D3 की। तो B12 हमें कड़वी चीज़ों से मिलता है, अगर हम षडरसात्मक आहार लेते हैं तो B12 की डेफिशिएंसी कभी नहीं होगी। सिमिलरली मॉडर्न साइंस हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, वाइटामिन्स, इतने इतने कैलोरीज ये सब बातें करते हैं, लेकिन आयुर्वेद कहता है अगर आपका अन्न आपका षडरसात्मक होगा तो आपको इन चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप बैलेंस डाइट अच्छा शुद्ध और सात्विक अन्न खाएंगे और जो षडरसात्मक क्रम बताए हैं उस हिसाब से अगर आप अन्न का सेवन करोगे तो आपको ना आपका मोटापा बढ़ेगा ना आपको कोई अन्य बीमारी होगी जिसमें आपको कैलोरीज गिन गिन के खाने की ज़रूरत पड़ेगी। आशा करती हूँ कि आपको आज का विषय उपयुक्त लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल से आप अब तक नहीं जुड़े तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आप भी अपने आप को अपने परिवार को स्वस्थ देखना चाहते हैं तो आयुर्वेद से जुड़े। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। नमस्कार।